पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद लंगड़ाकर चलते हुए करहा रहा ये शख्स यूपी का कुख्यात चेन स्नैचर है, जिसे गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और फिलहाल ये घायल हो चुका है और पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया है। बकौल पुलिस, कमल उर्फ कल्लू को सोमवार की शाम गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इसकी निशानदेही पर इसके दूसरे साथी के ठिकाने पर पुलिस इसे लेकर जा रही थी, लेकिन इसने इंद्रपुरम इलाके में सिपाही से उसकी पिस्टल छीन ली और मारने के इरादे से फायर कर दिया, लिहाजा पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें एक गोली इसके पैर में लगी और ये लंगड़ा कर चलने लगा। कमल उर्फ कल्लू जो अंतरराज्यीय चैन स्नैचर है, इसको इंद्रपुरम पुलिस ने इसके साथी के साथ पकड़ा था। पूछताछ में इसने अपने एक और साथी का नाम बताया था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम के साथ जा रहा था। इंद्रपुरम क्षेत्र में ही 5-6 की पुलिया के बीच में किसी बहाने से ये नीचे उतरा और सिपाही की रिवाल्वर लेके भागने का प्रयास किया और जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर भी किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने उस पर फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। घायल को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बकौल पुलिस, कमल उर्फ कल्लू कुख्यात चेन स्नैचर है, जिसने चेन स्नैचिंग की 20 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया हुआ है और कई इलाकों में सक्रिय था। पुलिस ने इसके जुर्म के वीडियो सबूत भी दिखाया है। देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स बाइक पर बैठा है, जबकि दूसरा शख्स एक घर के सामने खड़ा है। जो शख्स घर के सामने खड़ा है, बकौल पुलिस वही कल्लू है, जो महिला से चेन छीन कर भागते हुए बाइक पर बैठता है और फरार हो जाता है। ये अंतर्राज्यीय चैन स्नैचर है। करीब 20 घटनाएं जो नोएडा, सोनीपत, जयपुर और गाजियाबाद जिले के कई थानों में इनके द्वारा कारित की गई हैं। ये ये स्वीकार किया है और जिसमें इसको जेल भेजा जा रहा है। अब पुलिस इसके निशानदेही पर इसके साथी को तलाश रही है। वहीं आरोपी से पूछताछ कर इसकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है, ताकि अदालत में इसके गुनाहों का हिसाब किताब हो सके और इसे सलाखों के पीछे पहुंचाकर लोगों को राहत मिल सके। लेकिन इस घटना ने फिर साबित कर दिया कि यूपी में जिस तरह योगी सरकार रिपीट हुई है, उसी तरह यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।